ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਜੋੜਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਰੱਖਿਆ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼। ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਸਾਥ 2,500 ਵੀ ਲੇਂਗੇ। ਆਪ ਇਸ ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ਨਾਮ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਬੜਾਈ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਚਲ ਰਹੇ ਬੇਟਾ ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ, ਅਬ ਯਹਾਂ ਸੇ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਚਲ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੋ ਢੂੰਢਤੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮਸਰਾਮ, 2,500 ਲੈਣੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਾ ਦੇਣੇ ਕੀ ਹਮਾਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਯੇ 500 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੀਵੀ ਕੇ ਪਰਸ ਮੇ ਸੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਵੋ ਵੀ, ਅਗਰ ਚਾਹੀਏ ਤੋ ਬੋਲੋ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਫੁਟਕਾਸ ਕੀ ਗੋਲੀ ਖਾਓ। ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, 500 ਉਸੇ ਵੀ ਕਾਮ ਚਲਾ ਲੇਂਗੇ। ਅਬ ਤਿਵਾਰੀ ਜਾਏਂਗੇ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਰ ਆਪ ਫੂਲ ਲੈ ਲੂੰ। ਚਲ ਬੇਟਾ ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੁੱਤਾ ਆਪਕਾ ਹੈ ਕਿਆ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? अरे यार, ये तो मतलब इसने तो हमारा जीना हराम कर रखा है यार, हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमें हमारे घर में घुसने नहीं दे रहा है यार। ये तो इसे अगर आप पूछो, ये हमारे पिछले जन्म का क्या नाता है इसे, क्या? एक मिनट, ये साहब जानना चाह रहे हैं कि आखिर तुम इससे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो, इनके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो? अरे साहब, ये बोल रहा है कि इसके मम्मी के बारे में आपने कुछ उल्टी सीधी बात कही थी। मम्मी के? अरे यार, हम तो इसकी मम्मी से कभी मिले भी नहीं ना देखा। अरे 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 अरे, ये कह रहा है ना कि विभूति नारायण ने बताया है आपके बारे में। विभूति जी ने बोला ये सब? ये जो हमारा कुत्ता है ना भाई साहब, जानकी दास, क्या है कि इसको अगर कोई आदमी किसी की तस्वीर दिखा दे और ये कह दे कि बेटा ये आदमी तुम्हारे माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था, तो फिर हाथ धो के ये उसके पीछे पड़ जाता है। हम समझ गए कि ये उसी शातिर आदमी का खेल है। भभूति जी, अबे! अबे जानकी दास, मेरे घर के बाहर कैसे बैठा हुआ है? बेटा जानकी दास, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तू ये मैंने वापस कर दिया, जा मसराम के पास जा बेटा, तू उसका है। आप मुझ पे क्यों भोंक रहे? मैं तो आपका दोस्त हूँ, वी आर फ्रेंड्स, ओके? कहीं किसी ने मेरी फोटो नहीं दिखा दी इसको? हमने दिखा दी आपकी फोटो इसको मम्मी। जानकी दास जी, आपकी माताश्री के बारे में ये वही वाली बात बोल रहे थे, जरन से निपट लो। अब जानकी दास बजाएगा इनकी बैंड और हम करेंगे भाभी जी के दर्शन। अरे बुड़बक, हम अंग्रेज थोड़े ना जो अंग्रेजी पिएंगे, हम तो देसी है, देसी पिएंगे। तेरे लिए भी है, आज मैं देसी नहीं पी सकता, मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। I'm sorry. अरे तेरी छोटू। अरे श्याम। यस सर। वो कुछ लोग मिलने आने वाले थे मुझे, पहुंचे नहीं पता। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो, अरे चाचा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच दस के? अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है? शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे, ताकि ये पता लग जाए
किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।